नेक्स्ट अगर हम पैरेलल रेजोनेंस की बात करें, सो पैरेलल रेजोनेंस का सर्किट ये है जिसमें तीनों ही कंपोनेंट किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। अब पैरेलल में जो हमारा होता है करंट, करंट डिफरेंट होता है एंड वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू आई एस इंटू जेड, आई इंटू आर। आर यहाँ पर क्या होगा, जेड होगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो हम यहाँ पर इम्पिडेंस निकालेंगे, इसलिए आई एस इंटू जेड। अब पैरेलल कंडीशन है तो हम यहाँ पर एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर जब हम एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि एडमिटेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ से अगर हम एडमिटेंस फाइंड आउट करें तो एडमिटेंस हमारा क्या निकल के आएगा, अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। सो रेजोनेंस कंडीशन पर क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होता है। तो एक्सएल इज इक्वल टू जब एक्स सी होगा तो हमारा जो पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो वन अपॉन टू पाई रूट एल सी निकल के आएगी। इसको हम फिर से अगेन पुट करेंगे, टू पाई एफ एल इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी मिलेगी पैरेलल रेजोनेंस के केस में। अब हम यहाँ से अगर एडमिटेंस फाइंड आउट करें तो हमने रेजोनेंस की कंडीशन पे क्या देखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हैं तो इक्वल होने के केस में ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से एडमिटेंस क्या निकल के आएगा, एडमिटेंस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन आर निकल के आएगा। तो यहाँ पर एडमिटेंस हमें मिल गया वाई इज इक्वल टू वन अपॉन आर। अब अगर हम इसको इम्पिडेंस के फॉर्म में देखें तो इम्पिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें इम्पिडेंस मिल रही है वो क्या है, मैक्सिमम इम्पिडेंस मिलेगी। तो मैक्सिमम इम्पिडेंस का मतलब क्या है कि अगर हमें मैक्सिमम इम्पिडेंस मिल रही है, इसका मतलब है कि जो हमें करंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मिनिमम करंट मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था सीरीज रेजोनेंस के केस में कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा बिटवीन टू रिएक्टिव एलिमेंट्स एल एंड सी। यहाँ पर जो आपका इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसको एक्सचेंज करेगा कैपेसिटर के साथ एंड उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। देन नेक्स्ट साइकिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगेन एक्सचेंज होगी इंडक्टर के साथ एंड कन्वर्ट हो जाएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। एंड ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी तो उस केस में जो भी पावर होगा वो इंडक्टर एंड कैपेसिटर को तो सप्लाई करेगा नहीं, वो पूरा का पूरा पावर किसको सप्लाई करेगा, रजिस्टर को ही सप्लाई करेगा। तो उस केस में जो करंट होगा हमारा, वो जो सप्लाई कौन कर रहा है, ये करंट सोर्स कर रहा है। तो करंट सोर्स किसको कर रहा है, रजिस्टर को कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट होगा आई एस, सप्लाइड करंट जो है, मतलब जो सोर्स करंट है, वो आई आर के इक्वल होगा पैरेलल रेजोनेंस के केस में। सो नेक्स्ट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फ्रिक्वेंसी एंड इम्पिडेंस के बीच में सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए, तो हमने देखा था कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमें मिनिमम इम्पिडेंस मिली थी एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हमें मैक्सिमम इम्पिडेंस मिला था। और कब मिली थी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मिली थी। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज रेजोनेंस के केस में, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के केस में अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर, एफ आर एस क्या है, सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, तो सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर मिनिमम इम्पिडेंस ऑफर हुई थी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, ये यहाँ पर आपको क्या है, मिनिमम इम्पिडेंस मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम इम्पिडेंस मिली थी, तब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पीक मिलेगा, पीक मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो इम्पिडेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के केस में। अब अगर हम बैक चलें अपने सर्किट पर, अब अगर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर के सर्किट पर वापस आते हैं, तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का या फिर ये क्रिस्टल का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हमने सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ी थी इन जनरल। तो वहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये सर्किट क्या है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर एडमिटेंस फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होगा। तो इस आर्म के लिए एडमिटेंस क्या हो जाएगा, अगर हम इसको वाई टू कह दें एंड इस आर्म के लिए एडमिटेंस वाई वन कह दें, तो यहाँ से जो हमारा एडमिटेंस, टोटल एडमिटेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा,
इस आर्म के एडमिटेंस को हमने क्या कहा है, वाई टू कहा है, एंड इस आर्म के एडमिटेंस को हम वाई वन कह रहे हैं, तो जो टोटल हमें एडमिटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाई वन प्लस वाई टू। अब हम एडमिटेंस क्यों फाइंड आउट, क्योंकि हमें यहाँ पर इस इक्विवेलेंट क्रिस्टल के लिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जिसके लिए हमने यहाँ पर एडमिटेंस निकाला है, क्योंकि ये सर्किट कैसा है, पैरेलल है, तो पैरेलल में एडमिटेंस निकालना बहुत इजी रहेगा। अब यहाँ से जब हम एडमिटेंस निकालेंगे तो यहाँ का जो एडमिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर वाई वन निकल के आएगा। एंड यहाँ का जब एडमिटेंस निकालेंगे तो सी एम का जब इम्पिडेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा, वन अपॉन जे ओमेगा सी। एंड जब इसका एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे ओमेगा, क्योंकि इन्वर्स होगा इम्पिडेंस का, तो जे ओमेगा सी आपका वाई टू हो जाएगा। तो वाई वन प्लस वाई टू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से टोटल एडमिटेंस मिल जाएगा। अब अगर टोटल एडमिटेंस मिल जाएगा तो यहाँ से हम रेजोनेंस कंडीशन लगा कर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी पुट करके हम यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज़ मिलेंगी, सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ एस मिलेगी एंड एक पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ पी मिलेगी। सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ एफ एस से डिनोट करेंगे एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को हम एफ पी से डिनोट करेंगे। तो जो सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी वो हमें वन अपॉइंट टू पाई रूट एल सी निकल के आएगी एंड जो पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी वो वन अपॉइंट टू पाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर सी आप देखिए ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। जब सीरीज़ में आप इसको सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, सी इंटू सी एम अपॉन सी प्लस सी एम। तो यहाँ से सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें उस एडमिटेंस के फॉर्मूले से सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर एफ पी मिल जाएगा, जो कि 1/2 पाई रूट एल सी एंड 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी एम। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम इम्पिडेंस एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो सीरीज रेजोनेंस के केस में हमें मिनिमम इम्पिडेंस मिलेगी एंड पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमें मैक्सिमम इम्पिडेंस मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसी सर्किट में ड्रॉ कर देते हैं। अगर इसी सर्किट में हम ड्रॉ करें तो ये एक जनरल सर्किट ड्रॉ किया था हमने सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन के केस में। अब अगर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसीज को लेकर के ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एफ आर एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ एस से, जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, एंड एफ आर पी को रिप्लेस कर सकते हैं एफ पी से, जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। अब सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर हमें मिनिमम इम्पिडेंस मिलेगी, ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अब अगर हम पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर देखेंगे तो पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम इम्पिडेंस मिलेगी। मैक्सिमम इम्पिडेंस मिलेगा तो हमें यहाँ पर पीक एक दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम इम्पिडेंस है। तो ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसीज, सीरीज फ्रिक्वेंसीज एंड पैरेलल फ्रिक्वेंसीज। अब अगर हम इन्हीं क्रिस्टल का यूज़ करके क्रिस्टल ऑसिलेटर डिज़ाइन करें सर्किट का, तो अगर सीरीज फीडबैक सर्किट का यूज़ करके हम क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट डिज़ाइन करते हैं